तो देखो फ्रेंड, मैं आ गया इवनिंग में, किचन में बर्तन बर्तन धो रखा था, साफ़ किया था, तो मैं जगह पे सेटिंग कर रहा हूँ, जिसकी जगह पे रहता है वो सारे बर्तन मैं रख दे रहा हूँ। फिर बनाऊँगी झटपट नाश्ता। और ये देखो साबुदाना, साबुदाना भिगो के रखा, और सिंगदाना मतलब बादाम मिक्सर में ग्राइंड कर रखा, और आलू एक आलू बॉईल कर रखा, और कटी हुए धने पत्ता और हरी मिर्च। जो लोग भेज खाते हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान है और मज़ेदार चीज़ है। आप शाम के टाइम चाय के साथ बढ़िया लगता है, और ये उपस में भी आप खा सकते हैं। देखिए कुछ भी प्याज लहसुन हो कुछ भी नहीं, ये मैं कॉर्नफ्लावर डाल दिया 3 स्पून, एक कटोरी लगभग साबुदाना लिया, छोटा कटोरी धनिया पत्ता, 2-4 मिर्ची, नमक, बस इतना ही। सिर्फ स्वाद के लिए नमक और मिर्ची है, धनिया पत्ता और आलू और साबुदाना और सिंगदाना मतलब छोटा बादाम, उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। अभी बड़े के आकर शेप कर लूँगी, ये देखो तो बन जाएगा साबुदाने का टिकिया, ये बन के रेडी। तो मैं फटाफट इसे तल लूँगी, और इसमें ना तेल भी नहीं अब्सॉर्ब करता ज़्यादा, अब जितना तेल दे के फ्राई करूँगी ना उतना ही रह जाएगा, बिल्कुल तेल अब्सॉर्ब नहीं करता है। ये बहुत ही हेल्दी चीज़ है, फाइबर से भरा हुआ है, सेहत के लिए भी अच्छा है, सब लोग इसे खा सकते हैं। तो मैं दही के साथ इसे ले लूँगी, और चाय भी बन गया। तो बन गया चाय का शाम का नाश्ता, कैसे लगा ज़रूर बताना। फिर रात को मैं किचन में आऊँगी, फिर बोलूँगी क्या बना, तो बोलूँगी मतलब चिकन ही बनाऊँगी। और ये देखो चाय, हम लोग चाय नाश्ता इंजॉय कर रहे हैं, और छोटा बच्चा मेरा नहीं है, मेरा दीदी का लड़की है। मेरे चैनल में आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। आज शाम को मैं शेयर किया चटपट चाय नाश्ता, क्रंची साबुदाना का वड़ा, और रात को कुछ बनाता हूँ। रात को मैं चिकन और रोटी बनाऊंगी, तो फटाफट वो भी शेयर कर लेता हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे साथ रहिए प्लीज। तो पर चलो अभी आ गया, मैं फटाफट कढ़ाई में तेल दे दिया, क्योंकि फटाफट बनाना था मुझे, थोड़ा लेट हो गया, दूसरे काम करने लगा था मैं। कांदा और मिर्ची फ्राई कर लिया, और इसमें गरम मसाला और ज़ीरा और 2 लाल मिर्च दे दिया। और मैंने तो एक दिन बोला था मेरा बेसिक मसाला क्या क्या रहता है, ज़ीरा, लहसुन, प्याज और गरम मसाला और अदरक, ये 5 चीज़ मैं मिक्सी में पीस के रखता हूँ, और जितना मैं जो क्वांटिटी में लगेगा उसी अंदाज के हिसाब से मैं डाल देता हूँ। तो 1 किलो चिकन में मैंने 3 टेबल स्पून पिसा हुआ मसाला डाला, और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर, और 2 टमाटर, बस मसाला मैं अच्छे से इसे भून लूँगी, और इसमें चिकन ऐड कर दूँगी, और चिकन और आलू ऐड करके फिर धीमे आंच में थोड़ा सा इसे भून के मैं कुकर में दे दूँगी, क्योंकि देसी चिकन है बॉयल होने में लेट होएगा, इसलिए अच्छे से भून के मैं कुकर में शिफ्ट कर दूँगी और निकाल लूँगी, तो हो जाएगा झटपट देसी चिकन। थोड़ा ग्रेवी, ज़्यादा नहीं ग्रेवी बनाऊँगी मैं, तो लगभग देखो टमेटो भी गल चुका है, और थोड़ा सा धीरे धीरे हो भी जाएगा। ऐसे ढक के फिर देखो लगभग हो चुका है भुनना, तो मेरे चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब करना, और बाजू में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करना, मेरा जो नूतन नया वीडियो है वो आपके पास पहुंच जाएगा, अगर आप देखना चाहते हो तो। और जो नए फ्रेंड है प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना। और देखो मैं गरम पानी में थोड़ा सा दिया था कुकर में, उसे ऐड कर दिया, और स्वाद अनुसार नमक आ रही है गरम मसाला पिसा हुआ, मैं उसे ऐड करके ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी, 4-5 मिनट बस हो गया। ये देखिए हो गया झटपट कुकर में चिकन बन गया, और रोटी भी मैं बना लिया, तो रात का डिनर हो गया। कैसे लगा ज़रूर बताना, और हम लोग अभी प्लेट भी लगा लेंगे, और खाने के लिए उसका पापा और बेटा बैठा है, खाना भी दे दूँगी।
ये देखो रात का प्लेट पीला, वो अंडा भुर्जी थोड़ा बना हुआ था वो भी दे दिया। तो कैसे लगा ज़रूर बताना। बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में।